हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो रीडिंग करने वाली हूँ वो फरवरी के आपके जो 15 डेज हैं वो कैसे जाने वाले हैं। आगे आने वाली फरवरी में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है, आपकी लव लाइफ और करियर में, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, उसके लिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी। उसके साथ मैं एंजल गाइडेंस निकालूंगी और आपके साथ कौन से एंजल रहेंगे इन 15 डेज में वो निकालूंगी, और आपके साथ कौन से भगवान गॉड रहेंगे वो भी निकालूंगी, और आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है ये सब निकालूंगी। उसके बाद मैं चार्म्स भी निकालूंगी। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ इन कार्ड्स के साथ मैं अपने सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट हो तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी आपके दिन जो है ना, आपका ये जो मंथ है, जो 15 डेज बचे हैं फरवरी में, ये आपका एवरेज आने वाला है। थोड़ा आपकी कहीं पे शायद कंपटीशन होगा आपके करियर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब लेवल के लोग होते हैं उसमें। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आपके साथ चालाकियाँ चल रहा है, तो कंपटीशन इस मंथ में आप फील करेंगे कि करियर में आपके काफ़ी कंपटीशन है। बट ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। ठीक है, ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए ही आपको कंपटीशन करना होगा कि ताकि और ग्रोथ हो। ठीक है, जजमेंट होगी, आप जैसा वर्क करते हैं, आप जैसा वर्क करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप नेगेटिव ना हो, आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि अभी आपको अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कहीं से ऑफर आने वाला है, या फिर आप ऑफर करने वाले हैं किसी को, रिलेशनशिप के लिए हो सकती है ये कार्ड। इसमें ऐसा भी होता है कि आपका जो पास्ट रिलेशन था मे बी वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहे। ठीक है, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर, तो आपके वहाँ बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कोई अपना पासपोर्ट वीज़ा लगाए, बाहर जाने के लिए अप्लाई करे, या आपको बाहर जाने के लिए कहीं से ऑफर आए। ठीक है, आप बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, इस मंथ में आपकी एनर्जी दिखा रही है कि आप हॉलीडेज पर भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस मंथ में अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा किसी प्रॉपर्टी में या बिजनेस में, तो आप थोड़ा अपने घर घर के जो बड़े हैं उनसे आप सलाह लें, ताकि आपका जो डिसीजन हो उसमें आपको लॉस ना हो और आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव इसमें ये कार्ड आया है, द टावर का, तो इसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। इसके लिए आप राहु का उपाय करेंगे, जिसमें आपको रोज स्ट्रीट डॉग को एक रोटी खिलानी है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स ना धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और रुक जाएंगी। इसमें ये दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी जो है इन 15 डेज में, इस मंथ के एंड में आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपके हाथ में जो है ना, आप उस पर ध्यान ना देकर आप जो पास्ट में था उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए आपके हाथ में कितनी सारी स्वॉर्ड्स हैं, बट आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। उसको आपने ऐसे ही इजीली पकड़ा हुआ है, कोई गिर जाए क्या हो, बट आप जो पीछे दो रह गई हैं आप उस पर ध्यान दे रहे हो। तो जो आपके हाथ में है आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, उसको संभालो, जो बीत गया पास्ट में उसको नहीं। ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, आपके करियर के लिए भी हो सकता है। ये आपको पता है, आपके साथ रेजोनेट हो रहा होगा कि ये किस चीज़ से आपके रेजोनेट हो रहा है, आपके लाइफ के किस पार्ट से हो रहा है। आप अगर रिलेशनशिप में ऐसा कर रहे हैं, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पास्ट रिलेशन की तरफ देख रहे हैं,
तो आप ऐसा ना करें, आप जिसके साथ हैं उस पर ध्यान दें, उसको अटेंशन दें। और करियर में भी आप जिस जॉब में हैं उस जॉब पर फोकस करें, पास्ट में आपकी जॉब अच्छी थी बुरी थी वहाँ पे क्या था क्या नहीं था उस पर ध्यान ना दें, इससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आप अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका 15 days थे फेब्रुवरी के, तो अब हम यहाँ पे आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालेंगे। तो एंजल गाइडेंस में आपके लिए आया है रोमांस। एंजल्स बोल रहे हैं अपने रिलेशंस को टाइम दो, रोमांस करो। ये मंथ फैब रोमांस का ही होता है वैसे भी, तो आप रोमांस, आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है। और ये आ रहा है सक्सेस। आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो हम देख लेते हैं इन 15 days में आपके साथ कौन से एंजल रहने वाले हैं। आर्क एंजल माइकल और आर्क एंजल एरियल। आर्क एंजल एरियल आपके साथ होंगे और आर्क एंजल माइकल। आर्क एंजल माइकल क्या वर्क करते हैं? आर्क एंजल आपको, माइकल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ब्लैक मैजिक से, एविलाई से, आपकी कोई ब्लॉकेज है उसको रिमूव करते हैं, आपके चक्रास को बैलेंस करते हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। आप कहीं भी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आप आर्क एंजल माइकल को बोल सकते हैं, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और आर्क एंजल एरियल जो होते हैं, ये आपके लिए आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं लाइक आपका घर, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए आप इनको बुला सकते हैं, ये आपके साथ हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ये मनी के लिए, अबंडेंस के लिए भी आप आर्क एंजल एरियल को बोल सकते हैं। ये 15 days आर्क एंजल माइकल और आर्क एंजल एरियल आपके साथ रहेंगे। और अब हम देखते हैं कौन से गॉड गॉडेस आपके साथ हैं इन 15 days में। हनुमान जी हैं आपके साथ, देखिए कार्य सिद्धि के लिए है, इनको माना जाता है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एबिलिटी बढ़ाते हैं, आपको इंक्रीजमेंट सक्सेस देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये 15 days हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपकी विशेस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके साथ हैं। अब हम देखेंगे आपकी सोल क्या कह रही है। आपकी सोल कहती है आई लुक अमेजिंग, आप जैसे भी हो आप अमेजिंग हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको अगर अपने अंदर कुछ नेगेटिविटी दिखती है तो उस नेगेटिविटी को ना देखे, पॉजिटिविटी को देखे, क्योंकि पॉजिटिव ही रहना हमको आगे बढ़ाता है। अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हम अपनी ग्रोथ को वहीं रोक देते हैं, हम अपने विशेष को वहीं रोक देते हैं। तो आपकी सोल भी यही कहती है कि आप अमेजिंग हैं, आप औरों की तरह नहीं हैं, आप अलग हैं। और सेकंड कार्ड आया है मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेस। ये देखिए, तो मतलब आपके पास जो मनी आएगी वो इजीली आएगी और एफर्टलेस आएगी, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे मनी को अर्न करने के लिए। ठीक है, ये आपकी सोल कहती है। और आप इसको अपने वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं या आप इसको लिखकर रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और ये मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये स्विच वर्ड है, आप इसको यूज करें, इसको नोट कर लें आप। ठीक है, अब हम निकालेंगे चांस, आपके लिए कौन कौन से चांस आते हैं वो हम निकालते हैं। चांस देखते हैं हम आपके लिए कौन से आते हैं।
इसमें आया है आपके लिए, ये ट्री आया है, स्टार, और स्टार है, स्टार के अंदर ट्री है। देखिए ये स्टार लाइक आपकी ग्रोथ को शो करता है कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, ताकि लाइक स्टार आप शाइन करने वाले हो। और ट्री दिखा रहा है, इसमें लीव्स भी है, देखो ट्री में दिख रहा है, ये लीव्स दिखा रही है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो उसके लिए। ये स्टार आया है, ये आपकी हीलिंग के लिए स्टार होता है, आपके घर के वास्तु दोषों को खत्म करने के लिए होता है, और ये आपको आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू होता है उसके लिए होता है। तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान करें और हीलिंग करें, अपनी अपने चक्रास को बैलेंस करें। ये साइन है, ये विंटर का साइन है, और विंटर्स जा रही है, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, कोल्ड कफ हो जाता है लोगों को। और ये दो बटरफ्लाई आई है इसमें, बहुत ही प्यारी सी, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। इसमें लिखा है क्रिएटेड फॉर यू, इस बटरफ्लाई पे गोल्डन सिल्वर दोनों आई है, ये देखिए। बटरफ्लाई मतलब लाइक एक नया जन्म, आप किस कंडीशन में थे, आप ऊपर जा रहे हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप मतलब बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं। अगर आप में कुछ नेगेटिविटी थी वो सब रिमूव हो रही है, और आप अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हैं, अब आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं। अब तक जो जमीन पर थे अब आसमान में उड़ेंगे, आपके लिए सारे रास्ते खुल चुके हैं, ठीक है। और ये डांसिंग डॉल आई है, लाइक हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं तो हम डांस करते हैं, पार्टीज में डांस करते हैं, तो ये लाइक इसका भी सिंबल हो सकता है कि आप पार्टीज में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, हैप्पीनेस के लिए मतलब डांस कर सकते हैं आप कहीं पर, आपको कहीं से इनविटेशन आ सकता है, ठीक है। ये आपके चांस थे, और ये थी आपकी फरवरी के 15 days, 15 फैब से 28 फैब तक की रीडिंग। तो आप से रेजोनेट हुई है, और आपको अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।